हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। तो चलिए जी, हम इस वीडियो को देख ही लेते हैं। जैसे मत्ती 24 का 3 वचन में लिखा हुआ है, और जब वह यानी यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, यीशु से कहा, चेलों ने हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु ने उनसे उत्तर दिया था, अपने चेलों को उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यहाँ यीशु ने ऐसा क्यों कहा है कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए? क्योंकि यीशु मसीह पहले ही से जानता था कि भैया कि मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे, जैसे मत्ती 24 का 5 वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु ने पहले ही से बताया है कि मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ, और यह भी यहाँ तक ये भी कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, अपने आप को मसीह होने का दावा करेंगे। इसलिए हमें हर एक मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए यीशु ने पहले ही से चिता दिया है हम सभी को, मत्ती 24 का 24 वचन में लिखा हुआ है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो वे चुने हुओं को भी भरमा देंगे। क्योंकि अंत के दिनों में झूठे मसीह उठेंगे और कहेंगे कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ, और झूठे भविष्यद्वक्ता यानी झूठी भविष्यवाणी करने वाले उठेंगे और वे अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, हो सके तो वे आसमानों से आग तक उतार देंगे और वे चुने हुओं को भी भरमा देंगे, गुमराह कर देंगे। इसलिए सावधान रहो, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। इसलिए यीशु ने पहले ही से बता दिया था। किसी भाई ने हमारे पास कमेंट किया, उनका नाम तरुण दास है, कमेंट किया, हम पढ़ के सुना देते हैं। उन्होंने कहा, जो 2000 साल में न आया, यानी यीशु मसीह को उन्होंने कह रहा है आगमन में कि जो 2000 साल पहले न आया, अब क्या आएगा। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा है कि लिख के हमें दे कि यीशु मसीह आएगा, और उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह आएगा तो लिख के दे मुझे डेट और साल बताए। तो चलिए, ये तो बात की बात हो गई भैया, यीशु ने कहा है अपने वचन में, तो चलिए हम वचन से देखते हैं। जैसा मरकुस 13:32 वचन में लिखा हुआ है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। यहाँ पर यीशु मसीह के आने की बात हो रही है भैया। ये नहीं लिखा है भैया कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आएगा, या कल आएगा, या परसों आएगा, या अगले साल आएगा। ये नहीं लिखा है, किसी को नहीं पता है कि यीशु मसीह कब आएगा। ना तो स्वर्गदूतों को पता है, और ना पुत्र को पता है, और ना मुझे पता है, और ना भैया तरुण भैया को पता है। किसी को नहीं पता है, सिर्फ उसी को पता है जिसने यीशु मसीह को भेजा। सिर्फ पिता को पता है जिसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था। जैसा वह पहले आया था, अब वैसा नहीं आएगा दोबारा। जैसा वह बादलों पर शरीर के रूप में गया है, वैसे ही वह वापस आएगा। जैसे रात को चोर आता है, चोरी करने कोई नहीं जानता है, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र पर भी यीशु मसीह आ जाएगा। नाटकबाजी बंद करिए और सीधा लाइन पे आ जाइए। परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक अच्छी बात नहीं है भैया। जो लोग आज गए हैं मरकर, जो लोग कल गए हैं मरकर, वे दुआ कर रहे हैं कि कोई यहाँ ना आए। लेकिन आज हमारे मसीह नौजवान ऐसे पाप कर रहे हैं और पाप करके अपने आका को खुश कर रहे हैं और परमेश्वर का सिर लज्जित कर देते हैं, और शैतान को बड़ा अच्छा लग रहा है जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। वही सारी शैतानी दुष्ट आत्माएं हर एक मसीही को पाप में गिराती हैं, और शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है। वही शैतानी दुष्ट आत्माएं उस मसीही को उसी पाप में गिराती हैं।